गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना चैप्टर 10 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म शुरू करेंगे। इसमें हम यहाँ तक कर चुके हैं, अब हम आगे करेंगे। आपको देखो ये एक्टिविटी दी गई है, आपको इसमें बताना है कि ब्रीथिंग रेट कब ज़्यादा होगा, ठीक है। इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आपको बताना है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट, हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं, तो ये प्रोसेस देखेंगे हम। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें ये ऑर्गन्स होते हैं, जैसे नोज, नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया जिसे विंड पाइप बोलते हैं, लंग्स, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेओली। ये क्या हैं आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। लेट अस नो लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, चलो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। अवर नोज हैज़ टू होल्स, हमारे नोज़ में कितने हैं, दो होल्स हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का मतलब है कि कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं ब्रीथिंग के समय, वो हम पढ़ेंगे। हमारे नोज़ में देखिए दो होल्स हैं, दे आर कॉल्ड नॉस्ट्रिल्स और उन्हें हम नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। अवर नोज सॉरी देयर इज़ अ पैसेज इन द नोज़ बिहाइंड द नॉस्ट्रिल्स कॉल्ड नेजल कैविटी, और नॉस्ट्रिल्स के बाद वहाँ पर क्या होता है, एक ये देखिए ये स्पेस होता है, कैविटी होती है, उसको नेजल कैविटी या नेजल पैसेज बोला जाता है। नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स, नॉर्मली हम एयर कहाँ से लेते हैं, नॉस्ट्रिल के थ्रू लेते हैं। व्हेन वी इनहेल एयर इट पासिस थ्रू अवर नॉस्ट्रिल्स इनटू द नेजल कैविटी, जब हम एयर को लेते हैं तो वो नेजल कैविटी से सॉरी नॉस्ट्रिल से नेजल कैविटी में पास होती है। एज द एयर पासिस थ्रू दिस कैविटी इट बिकम्स वार्म, जब एयर क्या होती है नेजल कैविटी से जाती है तो वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इट ऑल्सो गेट्स मॉइस्टेंड बाय द म्यूकस सिक्रेटेड बाय द मैम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ आवर नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के मैम्ब्रेन के द्वारा क्या किया जाता है, लिक्विड मॉइस्चराइज किया जाता है उस एयर को, एक लिक्विड सिक्रेट किया जाता है, इसको म्यूकस बोलते हैं, म्यूकस सिक्रेट किया जाता है, ठीक है, नेजल कैविटी में, उससे मॉइस्चराइज हो जाती है एयर। डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर गेट ट्रैप्ड बाय द म्यूकस, जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं या फिर अदर पार्टिकल्स होते हैं म्यूकस के द्वारा ट्रैप कर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, एंड हेयर प्रेजेंट इन द नेजल कैविटी, और साथ में नेजल कैविटी में हेयर प्रेजेंट होती है, वो भी उन जो भी गंदगी होती है उन्हें पकड़ लेती है। फ्रॉम द नेजल कैविटी द क्लीन मॉइस्ट एंड वार्म एयर पासिस इन टू द ट्रैकिया और विंड पाइप, नेजल कैविटी के थ्रू ही हवा क्लीन होकर, मॉइस्ट होकर और वार्म होकर पास होती है ट्रैकिया में या फिर विंड पाइप में। ये देखिए ट्रैकिया, ये रहा आपका ट्रैकिया, यहाँ से ऐसे पास होती है एयर, ठीक है। द ट्रैकिया ब्रांचेज इंटू टू थिनर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकी, ट्रैकिया के दो ब्रांचेज आ जाते हैं ब्रोंकी, जिसे हम ब्रोंकस भी कहते हैं, दैट एंटर टू द लंग्स, और जो कि लंग्स में एंटर करवाती है एयर को, ठीक है। आगे देखिए हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।